बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में दो चुड़ैल रहती थीं। जंगल में रहते रहते उनको काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी दिनों से उनको कोई शिकार भी नहीं मिला था, जिस वजह से वे दोनों भूख के मारे तड़प रही थीं। तभी एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है कि तुम कहीं जाओ, जाकर भोजन का इंतज़ाम करो। ऐसा कहने पर उन दोनों में से एक चुड़ैल गाँव की तरफ को निकल पड़ती है। चलते चलते चुड़ैल को एक गांव नज़र आता है। वह चुड़ैल उस गांव में के एक रामू नाम के आदमी के घर में घुस जाती है। वो दोनों चुड़ैल को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। रामू बहुत ज़्यादा गरीब था, डरते डरते वह चुड़ैल से कहता है, अरे अरे तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं एक चुड़ैल हूँ, काफ़ी दिनों से मैं भूखी हूँ। जंगल से कोई भी शिकार नहीं गुजर रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारे गांव आना पड़ा। मैं तुम दोनों को मारकर अपने साथ ले जाऊंगी और अपनी और अपने दोस्त की भूख मिटाऊंगी। अरे अरे प्लीज छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल भी हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारी कोई संतान भी नहीं है, हम तो पहले से ही परेशान हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगी? ये लो ये लो ये लो। और ऐसा करते करते वह चुड़ैल दोनों को मार देती है। रामू और उसकी वाइफ दोनों ही मर जाते हैं। चुड़ैल उन दोनों को खाकर और खाते हुए बोलती है, कितना स्वादिष्ट मांस है इनका, मेरी गुरु माता खाकर इनके मांस को खुश हो जाएंगी। चलो चलो मैं इस मांस को खा लेती हूँ पेट भर के और गुरु माता के लिए ले चलती हूँ। और ऐसा करकर वह चुड़ैल दोनों को अपनी झोली में डालकर जंगल की तरफ चली जाती है।